नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस दोस्त में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्जुन कपूर अपनी माँ श्रीदेवी से क्यों नफरत करते थे। दोस्तों अर्जुन कपूर ने कभी भी श्रीदेवी को अपनी माँ नहीं माना और ना ही उन्हें सौतेली माँ माना। वे श्रीदेवी के साथ शादी पार्टियों में भी फोटो नहीं क्लिक करवाते थे, कतराते थे उससे, क्योंकि श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी पत्नी थी। अर्जुन कपूर की माँ मोना कपूर बोनी कपूर की पहली पत्नी थी। उनसे बोनी के दो बच्चे थे, अर्जुन कपूर और असुल्ला। लेकिन 1996 में बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी कर ली और इस शादी से वे बेहद दुखी थीं। इसके बाद बोनी कपूर मोना कपूर से दूर हो गए। इससे अर्जुन का बिहेवियर बदल गया और अर्जुन गुस्से वाले और नकारात्मक भाव वाले हो गए। अर्जुन कपूर और उनके भाई को स्कूल के बच्चे ताना भी मारते थे। अर्जुन कपूर की मदद उनके चाचा संजय कपूर व सलमान खान ने की, उन्हें समझाया। लेकिन मोना कपूर को कैंसर होने के बाद अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया और उनका कहना था कि जब उनकी माँ को उनके पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उनके साथ नहीं थे। अर्जुन ने खुद कहा कि श्रीदेवी कभी भी मेरी माँ नहीं बन सकती, ना ही मेरी माँ जैसी बन सकती हैं, वह ओली मेरे पापा की पत्नी है। श्रीदेवी ने भी इस बात पर कभी भी कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मैंने कभी भी बोनी को उनके परिवार व बच्चों से मिलने से नहीं रोका है। अर्जुन की मां की मृत्यु इश्क ज़्यादा मूवी की रिलीज से 2 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी श्रीदेवी से कोई रिश्ता नहीं रखा। और हाँ, अर्जुन कपूर कभी कभी श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी व खुशी के साथ वक्त बिता लिया करते हैं। तो दोस्तों अर्जुन केवल अपने पापा की वजह से श्रीदेवी को माँ नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने मुसीबत के समय उनका साथ नहीं दिया था। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, और ऐसी अपडेट के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।